रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड पैटीज, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। चिकन हमने ले लिया है बोनलेस, ये है 2 ब्रेस्ट पीस हमने ले लिए हैं, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। हमें चाहिए होंगे इसके लिए ब्रेड क्रम्स और अंडा हमें चाहिए होगा 2 कप के जितना हम पानी डालेंगे, और ये चिकन हम डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे नमक और काली मिर्च। अब हम इसको कोई 6 से 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, या उतनी देर के लिए कि चिकन हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ये चिकन हमारा हो गया है, बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है, और ये आप देखिए चिकन भी बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। इसको चिकन को बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस और साथ ही हम डालेंगे चिली सॉस, और इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे ताकि इसका जो हल्का सा पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए, और ये भी चिली सॉस और सोया सॉस ये भी इसमें बहुत अच्छे पक जाएं। तो ये हम इसको ड्राई कर लेंगे पूरी तरह। चिकन हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और इसके बहुत बारीक रेशे कर लेंगे। चिकन को हमने निकाल लिया है, आप चाहें तो हाथों से ही बारीक रेशा कर लें इसका, आप चाहें तो मशीन में डाल के आप मैश कर लें इसको और चॉप कर लें चॉपर में डाल के, या फिर जिस तरीके से भी आपने आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह करके इसको रेशा करेंगे इसका बारीक। ये चिकन हमारा हो गया है, ये आप देख सकते हैं इसके रेशे बहुत बारीक हमने इसको कर लिया है। इसी तरह ही आपने चिकन को कर लेना है। ये हमारे पास ब्रेड है और ये मेरे पास कटर है। अगर आपके पास इस तरह के ना हो तो आप किसी भी ग्लास की मदद से, जो कि इस तरह का स्टील का हो, उससे भी आप यूं करके ब्रेड को काट सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई टूल हो तो आप उससे कर सकते हैं, साइज़ आप अपने हिसाब से ले लें। मैं ये साइज लूंगी, ये आप 2 साइडें इसकी हैं, एक प्लेन है और इसमें थोड़ा सा प्रिंट है, तो हम डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा, और इसमें ये साइड इसकी प्लेन है, हम जिसमें चाहें बना सकते हैं। तो मैं इसका ये वाली साइड लूंगी, ये देखें, ये इस तरह करके तो ये हमारे पास आ जाएंगी। अगर आप चाहें तो इससे छोटी बनानी हो तो ये 2 भी बन सकती हैं, बल्कि 3 बन सकती हैं। अगर आप पूरी ब्रेड की बनाना चाहें, बहुत बड़ी बनाना चाहें, तो इस तरह बहुत बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास जितना साइज़ हो आप उतनी इसको काट लें। और ये जो बाकी हमारी ब्रेड है इसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह ही मैं सारी पैटीज तैयार कर लूँगी ब्रेड की। 2 हम और बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल कॉर्नर पे रख के करें ताकि हमारी ब्रेड ज़्यादा ज़ाया ना हो। और इसमें से हम 2 बना सकते हैं, और ये जो बच गई है इसको हम बहुत छोटे टूल से मिनी पैटीज भी निकाल सकते हैं बच्चों के लिए। ये एक हमने इस साइज की निकाल ली और एक हमने मीडियम साइज की, तो ये हम जो है इतना बचेगा इसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे इसको सुखा के। तो इसको उसी तरह ही इसको बारीक कूट के, तो इसको हम छान के ब्रेड क्रम बना के रख सकते हैं। ये हमने सारी इस तरह करके पैटीज तैयार कर ली हैं, हमने
डिफरेंट साइजेस की की हैं ताकि हमारी ब्रेड कम से कम ज़ाया हो और ब्रेड हमारी सिर्फ ये चीज़ें इसकी बची हैं, बाकी सारी हमने कर ली है। ये देखें इतनी बाकी हुई, इतनी ज़ाया नहीं हुई। हमने दो अंडे ले लिए हैं, पहले मैं थोड़ी बनाना चाह रही थी तो मैंने इसलिए एक अंडा दिखाया था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई करूँगी। आप इनको बना के रख सकते हैं, सिर्फ फ्राई आप जब भी चाहें फ्रीज़र से निकालें और कर लें, तो ये आप महीनों चला सकते हैं। इसी तरह बना के आप अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम लगा के तो आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में। ये हमारा चिकन है जो हमने तैयार किया है। आपने एक लेनी है पैटी और इस तरह ऊपर चिकन लगा के, और ऊपर हम रख देंगे ये दूसरी, और इसको ये हमने अंडे में कोट करना है बहुत अच्छी तरह से ये करके। तो हमने इसको पकड़ा और यूं दबा देना है, थोड़ा सा हाथ को यूं करके, आपने फ्लैट नहीं बिल्कुल करना, हाथ को यूं नहीं करना, यूं थोड़ा सा रख के। तो आपने इसको ये देखें यूं करके दबा दिया, यूं करके आपने दबा दिया इसको, और ये हमारी पैटी तैयार हो गई। अब हमने इसको ब्रेड क्रम में डालना है। ये इस तरह हम बना के तो इसको फ्रीज कर सकते हैं, और हम सारी इसी तरह करके तैयार कर लेंगे। और हम बनाएंगे, आपने सारी तो मैंने आपको दिखाने के लिए पहले एक पूरी तैयार की है। जब आप पूरी बना के ज़्यादा सारी रखनी हो आपने, तो आप पहले ये इस तरह करके रखते जाएं, और ताकि आपके हाथ भी ना ज़्यादा ख़राब हों और आसानी से हो जाए। तो ये हम सारी इस तरह पहले चिकन इनमें फिल करके रखते जाएंगे, उसके बाद हम पूरी जो हैं वो अंडे में डिप कर लेंगे सारी की सारी एक ही दफ़ा, और आखिर में हम उसको ब्रेड क्रम में सारी करके फोल्ड तो रख देंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम फ्राई करेंगे, बाकी हम सारी फ्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम बना के रखते जाएंगे, और जब ये पूरी तैयार हो जाएंगी तो फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे। ये हमने सारी पैटीज की चिकन की फिलिंग कर ली है, अब हम इनको अंडे में डिप करते जाएंगे। ये हमारी सारी पैटीज तैयार हो गई हैं, बड़े वाली, और ये जो हमने छोटे साइज की की थी ये भी तैयार होगी। आप इसी स्टेज पे इसके ऊपर रैपिंग शीट लगा के तो इसको आप फ्रीज कर सकती हैं, अगर आपने फ्रीज करना हो तो, और अगर फ्राई करना हो तो आप फौरी फ्राई कर लें। मैं भी इसमें से थोड़ी सी बहुत थोड़ी फ्राई करूँगी, कोई 5-6, बाकी मैं सारी फ्रीज कर दूंगी। मैंने अभी बनाई है, लेकिन ये मैंने पहले से बनाई हुई है और ये फ्रीज की हुई है। ये इसी तरह आप रैपिंग शीट लगा के तो इसको फ्रीज कर सकती हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपने इसको निकाला और फ्राई कर लिया। ये ऑयल हमने रख दिया है ऊपर गर्म होना, ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम गर्म होना चाहिए। तो उसमें हम डाल देंगे अपनी पैटीज, क्योंकि ये ब्रेड की हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, बस नॉर्मल गर्म ऑयल हो जाए तो हमने इसमें डाल देनी है, और उसके बाद भी हमने नॉर्मल गरम पे ही इसको करना है फ्राई, वरना तो ये जल जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर हो जाता है, वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता देखने में भी। बस अब मीडियम हमने आग इसके की हुई है पहले से ही, तो मीडियम पे ही हम इसको
फ्राई करेंगे। ये अभी हम चेक करेंगे इसको, ये हमें नज़र आ रही है कि एक साइड पे हो चुकी है फ्राई। ये देखें बहुत अच्छा सा इनका कलर आ गया है। इस तरह करके आपने इसकी साइड चेंज करनी है, और अगर आप इसको तेज़ ऑयल में डाल दें तो ये फौरी से ही हो जाती है डार्क कलर की और मज़े की इतनी फ्राई नहीं होती। तो इसको आपने इसी तरीके से ही आपने इसको करनी है, हल्के गरम में आपने डालनी है और मीडियम आग पे ही आपने इसको फ्राई करना है। बस ये पैटीज हमारी हो चुकी हैं फ्राई, अब हम इनको निकाल लेंगे एक एक करके सारी। ये तैयार है हमारे मज़ेदार पैटीज जो कि हमने ब्रेड से तैयार की हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एज अ स्नैक्स आप खा सकती हैं, आप बच्चों को लंच में दे सकती हैं, आप इसको बनाएं इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।